हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2019 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी एलिस पेरी। यह है एलिस पेरी और ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। तो एलिस पेरी को 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इन्हें 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो एलिस पेरी 2019 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अगला प्रश्न, 2019 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बेन स्टोक्स को। यह है बेन स्टोक्स और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो बेन स्टोक्स को 2019 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 2022 तक। केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी गाँव में ब्रॉडबैंड पहुँच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, इस मिशन के तहत 2022 तक सभी गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाकर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा और डाटा स्पीड को बढ़ाया जाएगा, और इस मिशन की शुरुआत केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की है। अगला प्रश्न, पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक विकास पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक विकास पर शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में साहित्य अकादमी ने अपने वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की, इनमें से किसे हिंदी कविता चलते हुए अपने को के लिए पुरस्कार मिला? तो चलते हुए अपने को, ये नंद किशोर की कविता है। तो इस कविता के लिए इन्हें 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 23 भाषाओं में प्रदान किए गए हैं। 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। तो हिंदी के लिए नंद किशोर को मिला है इनकी बुक चलते हुए अपने को के लिए, और इंग्लिश के लिए मिला है शशि थरूर को। शशि थरूर, इनकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इंग्लिश के लिए शशि थरूर को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। मिला 23 भाषाओं में है, आपको बस दो याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के लिए नंद किशोर को मिला है, शशि थरूर को इंग्लिश के लिए मिला है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की? तो जल साथी कार्यक्रम, इसको ओडिशा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इसके साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन जल साथी भी लॉन्च किया गया है। जल साथी कार्यक्रम, इसकी शुरुआत ओडिशा में हुई है। तो मैं आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा यात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, और ओडिशा में है गुंदिचा घर मंदिर, ये भी पुरी में स्थित है, और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, ओडिशा में है भीतर कड़का राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, हाल ही में महिला क्रिकेटर लॉरा अलेक्जेंड्रा मार्श ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश की हैं? तो लॉरा अलेक्जेंड्रा मार्श ये इंग्लैंड की हैं, ये हैं इंग्लैंड की लॉरा अलेक्जेंड्रा मार्श, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के ब्रेल संस्करण का विमोचन किसने किया? तो इसका ब्रेल संस्करण का विमोचन क्या है? थावरचंद गहलोत ने। एग्जाम वॉरियर्स इस बुक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है और ये बुक इंग्लिश और हिंदी में पहले ही लॉन्च हो चुकी है, तो अब इसको ब्रेल इसका ब्रेल संस्करण जारी किया गया है। ब्रेल जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए होती है ब्रेल लिपि, तो जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए इसका ब्रेल संस्करण जारी किया गया है। थावरचंद गहलोत ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, तो इन्होंने इसका ब्रेल संस्करण जारी किया है। अगर बात करें ब्रेल लिपि की, तो ब्रेल लिपि को विकसित किया था लुइस ब्रेल ने, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि को विकसित किया था, जो कि फ्रांस के थे। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था भारत के अगले सेना प्रमुख कौन होंगे, यानी कि भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसका सही आंसर था मनोज मुकुंद नरवड़े। और दूसरा प्रश्न था भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर था भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व आर्थिक मंच के 26वें वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी की एक दिवसीय टीम और T20 टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।